हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रजनी सिंह और मैं आप लोग के लेकर आई हूँ मीशो शॉर्ट कुर्ती हॉल। ओके, सो बिना किसी डिले के हम इन सारे पार्सल्स को अनबॉक्स करने वाले हैं। ओके, तो ये रहा मेरी पहला, ये मेरी पहला शॉर्ट कुर्ती है, पहली शॉर्ट कुर्ती है जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर की है। फर्स्ट टाइम मैं ये देखने वाली हूँ कैसा लगेगा ये। तो इसको हम खोलते हैं, इसके अंदर फिर देखते हैं कैसी है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी। इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है गाइस, ये देखो। या आप ये पूरी कुर्ती देखो कितनी, इसका लेंथ क्या है, इसकी लेंथ इतनी है एंड ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। इसको देखिए आप लगाने के बाद कितना प्यारा लगेगा ये। एंड यहाँ पे इन्होंने गले पे इन्होंने जो है ये पूरा वी शेप्ड है एंड नीचे इन्होंने पूरा ये गोटा वाला वर्क हो रखा है। एंड इसकी बाजू में भी बहुत प्यारा सा पतला सा गोटा जैसा वर्क है। एंड इसकी फुल लेंथ नहीं होगी बाजू, बट जो भी जितनी भी है ये बहुत प्यारी लगने वाली है गाइस। एंड पीछे इसका पूरा प्लेन डिजाइन है। सो या मैं इसकी प्राइजेस साइड में अटैच करते हुए चलूंगी, तो आप वहां से देख लेना। मुझे लगता है ये जिस प्राइस से मैंने इसे बाय किया था उस प्राइस से काफी वर्थ इट है। इसका जो फेब्रिक है काफी कंफर्टेबल है। बाकी मैं इसको पहनने के बाद बताती हूँ कि इसका फेब्रिक कैसा है और कैसा लुक में आ रहा है। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ पहनकर। सो आप देख सकते हैं पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है। इट इज लुकिंग सुपर्ब गाइस एंड इसकी क्वालिटी इज सो ऑसम। लाइक आई एम लिटरली फीलिंग सो कंफर्टेबल। मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है गाइस। तो आप इसे झटपट मीशो से ले सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा मेरे ऊपर। ओके, थम्स अप है फॉर दिस प्रोडक्ट। सो गाइस, ये रहा मेरा दूसरा वाला कुर्ती जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। इसको देखते हैं, ये भी बहुत प्यारा सा कलर आया है। ये ब्लू कलर का है। ये जब मैं उस पर देख रही थी तो मुझे काफी अलग सा लगा, तो मैंने कहा मुझे ये वाला लेना चाहिए, तो मैंने फटाक से ले लिया इसको। इसको भी खोल के देखते हैं इसका फेब्रिक। ये देखिए, ये कितनी प्यारी आई है यार। मतलब गर्मियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। एंड ये बहुत प्यारा सा इसका डिजाइन है, नीचे से पूरा राउंडेड डिजाइन है। एंड ये इसकी नेक पर ये कुछ ऐसा कट जैसा वी है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड साथ में आप इसकी बाजू देख सकते हैं, सब पूरा प्लेन है पर इसमें कुछ थ्रेड टाइप वर्क हो रखा है। मुझे तो काफी अच्छा लगा। बाकी मैं आपको इसे पहनकर दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। ओके, सो आप गाइस देख सकते हैं ये ब्लू वाला कुर्ता कैसा लग रहा है। एंड ये बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, इट्स लुकिंग सो ऑसम यार। इसका भी फेब्रिक बहुत अच्छा है, लाइक इट इज सुपर कंफर्टेबल एंड सुपर सॉफ्ट ऑल्सो। तो अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है आप इसे भी ले सकते हैं मीशो से। मैं तो इसे भी रखने वाली हूँ, दिस इज लिटरली अमेजिंग। एंड इसका आप नेक वाला डिजाइन देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा वी शेप्ड है यहाँ पर, तो दिस इज सो अमेजिंग। सो थम्स अप फॉर दिस ऑल्सो, तो ग्रैब इट फ्रॉम द मीशो। सो गाइस, ये मेरा तीसरा वाला प्रोडक्ट। ये मैंने व्हाइट कलर में ऑर्डर किया हुआ है एंड व्हाइट कलर का मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। इसका भी काफी मुझे अच्छा सा लग रहा था, तो इसका फेब्रिक चेक करते हैं, इसका फेब्रिक कैसा है। ओके, इसका फेब्रिक देखते हैं हम लोग कैसा है। वाओ, इट्स सो सॉफ्ट, ओ माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी यार। ये कितना प्यारा लग रहा है। इसका लेंथ देखिए कितना है, ये कुछ लेंथ में इतना आएगा। एंड इसके जो इन्होंने पूरा फ्रंट में ये वाला डिजाइन दे रखा है, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है एंड थोड़ा बहुत सीक्वेंस वाला काम दे रखा है। ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। और ये देखिए इसके बाजू पर कितना सुंदर सा प्यारा सा वर्क है। तो ये काफी कैजुअल ड्रेस आप इसे मान सकते हो, मतलब इतने एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के बाद भी। एंड नीचे इन्होंने पूरा फ्लेयर जैसा दे रखा है, आप देख सकते हो पूरा फ्लेयर जैसा है। तो मुझे तो काफी वर्थ बाइंग लग रही है शॉर्ट कुर्ती इसकी मीशो से। बाकी मैं इसको आपको पहन के इसका लुक फिट बताती हूँ कैसा है। आप मेरा ये व्हाइट वाला देख सकते हैं शॉर्ट कुर्ती, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ये भी सुपर सॉफ्ट है यार, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सारे मीशो से आए हुए हैं। दिस इज सो सुपर सॉफ्ट, अमेजिंग फेब्रिक गाइस। एंड इसका बाजू देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये शॉर्ट लेंथ वाला है। सो नीचे से ये फ्लेयर भी बहुत क्यूट सा लग रहा है, तो मेरे को ये काफी अच्छा लगा है। इसका जो नेक डिजाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। तो फॉर दिस प्रोडक्ट थम्स अप। सो ये रहा मेरा नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट, इसे देखते हैं कैसा है। वैसे सारे अभी तक जितने भी आए सब मुझे अच्छे लग रहे हैं, बाकी ये वाला भी देखते हैं। वाह, उसका कलर कितना ज्यादा अमेजिंग है गाइस। ओ वाह,
उसका उसका जो वी नेक है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है. ओ माय गॉड, दिस वी नेक आई ऑलवेज वांटेड, बिकॉज मुझे ये काफी ट्रेंडिंग लगता है आज के टाइम पे. तो मतलब काफी हर डिजाइनर लोग ये वी नेक पहन रहे हैं. हमें जो लहंगा वगैरह ले लो कुछ भी, सब वी 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 कर रखा है. तो काफी अच्छा सा है, मुझे काफी प्यारा लगा है. एंड ये इसका देखिए इसकी बाजू, इसमें ना कुछ इलास्टिक जैसा दे रखा है. ये काफी यूनिक सा पैटर्न लगा मुझे इसके अंदर. और आप इसका नीचे देखिए कैसा है, नीचे भी काफी फ्लेयर जैसा है. तो काफी अच्छा लग रहा है गाइस. एंड इसके पीछे का देखते हैं हम लोग कैसा है. ये देखिए पीछे उन्होंने ये बांधने के लिए भी दे रखा है, जैसे थोड़ा सा लूज हो तो आप इसे पीछे से बांध सकते हैं. तो ये भी काफी अच्छा है. बाकी या मुझे लगता है इसका पूरा जो लुक आएगा वो पहनने के बाद ही आएगा. तो चलो बिना किसी डिले के हम इसे पहनकर दिखाते हैं कैसा लगने वाला है. ये वाला कुर्ता देख सकते हैं, दिस इज लुकिंग सो डिजाइनर यार. ये बहुत प्यारा कुर्ता है. एंड इसका जो आप ये देखो वी, इसका जो नेक पे उन्होंने डिजाइन दे रखा है प्रॉपर वी है. एंड ये बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये. एंड इसके फ्लेयर देखो ये भी बहुत अच्छी है. पीछे उन्होंने जो बांधने के लिए दिया हुआ था, तो अगर आपको ये बहुत ढीला आता था आप पीछे से बांध सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंड इसका जो आप बाजू देखो ये पूरा आगे से ऐसा डिजाइन देगा, आगे ऐसा लगा हुआ है. इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा. तो ये बहुत ही प्यारा डिजाइन दे रहा है यार. दिस इज लुकिंग सुपर डी. ग्रैब दिस डील आल्सो फ्रॉम द मीशो, थम्स अप. सो गाइस ये देखिए मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. एंड इसमें कुछ ये कलर आ गया है. ये मैंने जब देखा था तो कुछ ऐसा कलर नहीं था, वो पिंक कलर था. बट ये कुछ मुझे गाजी टाइप लगा. मुझे ये कलर पसंद नहीं आया एक्चुअली, बिल्कुल मुझे अलग लगा. तो मैं इसे पता नहीं रखूंगी या नहीं, शायद रिटर्न भी कर दूं. बट ये मुझे काफ़ी अलग सा लगा, मुझे कलर पसंद नहीं है. कुछ ज़्यादा ही मुझे लाउड लग रहा है ये कलर. तो वहाँ जो उन्होंने मुझे दिखाया था वैसा कलर तो नहीं आया, तो मुझे पसंद भी नहीं आया ये कलर. तो मैं इसे वापस कर दूंगी. बाकी आप इसका देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग सही है. एंड या इसके आगे उन्होंने ये सब दे रखा है, तो इसे आप ऐसे करके टाइट कर सकते हो. तो ये काफी अच्छा है इसमें. और इसका ये आगे फ्रंट में सब डिजाइन दे रखा है, नीचे सारा ऐसा कुछ डिजाइन है, फ्रॉक टाइप है पूरा. एंड इसके ये सारे बाजू में भी सारा काम है. पीछे से ये कुछ ऐसा है, पीछे से प्लेन है, नीचे सारा वर्क दे रखा है. तो मैं इसको भी आपको पहन के दिखा दूंगी, क्या पता आप में से किसी को ये अच्छा लग जाए ये कलर, तो आप इसे ले सकते हैं वहां से. चलो मैं इसे आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा लगे. सो गाइज आप ये वाला कुर्ता देख सकते हो पहनने के बाद कैसा लग रहा है. ये भी वैसे अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा है इसका कलर. एंड इसका ये डिजाइन आप देख सकते हो पूरा बाजू पे दिख रहा है, अमेजिंग लग रहा है लुक इसका गाइज. एंड इसकी जो लेंथ है ये थोड़ी, और जितनी मैंने अभी तक कुर्ती ट्राई की थी शॉर्ट वाली, उससे ये थोड़ी सी लंबी है. बट यह अच्छी लग रही है. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइट कर लिया, थोड़ा सा ढीला लग रहा था तो मैंने इसे यहाँ से टाइट कर लिया था, इसे बांध करके. बाकी आप इसका बैक लुक भी देख सकते हैं कैसा आ रहा है. बैक लुक कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है. तो आप इसे ले सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है गाइस, तो आप इसे भी ले सकते हैं. बट यार कलर थोड़ा डिफरेंट आ गया है, बाकी अच्छा लग रहा है लुक वाइज गाइस. चलो ये रहा मेरा दूसरा वाला नेक्स्ट प्रोडक्ट. इसमें से कुछ वाइट कलर का निकला है. वाओ ये मुझे काफी अलग सा दिखा था कॉटन में. वैसे तो सारे कॉटन ही आए हैं, बस वो व्हाइट वाले थोड़ा सा डिफरेंस है उसका फेब्रिक का. ये सारे कंफर्टेबल होने वाले गाइस. एंड समर्स आने वाले हैं तो मुझे लगता है ये काफी बेस्ट ऑप्शन रहेगा शॉर्ट कुर्तीज का, जिन्हें शॉर्ट कुर्तीज बहुत ज्यादा पसंद है कैरी करना. ये तो बेस्ट होने वाला है. ये देखिए इसका पूरा लेंथ देखो ये कैसा है, इसकी पूरी डिजाइनिंग देखो आप. और इसके जो नेक पर ये इसके फ्रंट में ये वाला वर्क दे रखा है. एंड साइड में बिल्कुल पतली सी गोटा वाला वर्क है जो कि काफी क्यूट लग रहा है. ऐसे ही इन्होंने बाजू पर भी दे रखा है सेम. एंड पीछे से पूरा ये ऐसा सेम प्रिंटेड जो हो रखा है पूरे में होल पैसा रहेगा. और ये काफी कंफर्टेबल इसका फेब्रिक लग रहा है मुझे. और या इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसका लुक वगैरह कैसा आने वाला है. ओके सो आप लोग देख सकते हैं ये वाला कुर्ता पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है. ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है. तो या इसके लिए भी थम्स अप ही है गाइस. ये काफी नॉर्मल सा कुर्ता लग रहा है मुझे पहनने के बाद. एंड दिस इज सो 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 सिंपल, मेरे को तो वर्ड्स ही आ रहे हैं इसको बोलूं क्या.
तो गाइस इसके लिए भी अच्छा है, इसके लिए भी थम्स अप है। तो ये कुछ बहुत ही ये सारी कुर्तियों के साथ मैंने एक शर्ट मंगा ली थी, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल कॉस्ट में दिख रहा था मुझे, सिर्फ 120 रुपीज में, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कहा इसे एक बार मंगा के देखती हूँ कैसा आएगा। ये बिल्कुल पिंक कलर आया जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये बहुत ज्यादा डार्क पिंकिश कलर है। तो देखते हैं इसका जो प्राइस था 120 था, बाकी यार डिलीवरी कॉस्ट लगी थी 60 रुपीज, तो फिर भी मतलब अंडर 200 इतनी मस्त क्वालिटी का शर्ट मिल रहा है आपको फ्रॉम मीशो। ये देखिए ये शर्ट कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है गाइस, तो मैंने इसे भी उठा लिया, मैं कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए तो मैंने इसे ले लिया, और ये आप देख सकते हैं कैसा है। बाकी मैं इस वाले शर्ट का भी लिंक आपको दे दूंगी और आप वहां से परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो। और मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ इसका लुक वगैरह कैसा आ रहा है, तो जिसे पसंद आया वो भी ले सकते हैं, मुझे तो काफी अच्छी लगी। और स्टार्ट। सो आप देख सकते हैं शर्ट पहनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है यार, इसका कलर कितना ज्यादा प्यारा है, इट्स सो डार्क पिंक। एंड या पहनने के बाद आप इसका लुक देख ही सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा वाला पार्सल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ओके या इसका आप लेंथ देखो कितना है, इसको आप इन भी कर सकते हो, अगर आपको इन करके पहनना पसंद तो आप इसे इन करके पहन सकते हो। इसका जो फैब्रिक है इट इज आल्सो वेरी सॉफ्ट, तो इस शर्ट के लिए भी थम्स अप है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माई वीडियोज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।